हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.6। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सिंपलीफाई करना है कि आप कैसे सिंपलीफाई कर सकते हो। देखो, इसमें जो है आपका 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई है, और 2 की पावर 1/5। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब वैल्यूज़ जो है ये दोनों सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब इनकी जो पावर्स हैं, ये जितनी भी पावर हैं ये ऐड हो जाएंगी। तो देखो, 2 2/3 मल्टीप्लाई 2 1/5। तो अब इनकी पावर्स जो हैं, 2 को ऐसे लिखूंगी और 2/3 प्लस 1/5। ठीक, अब इसमें जो है इसको आप जो है फ्रैक्शंस को आप ऐड कर लोगे। ऐड कैसे करते हो, यहाँ पे मैं रफ में करके दिखा देती हूँ। देखो, नीचे क्या आ गया, 5 थ्री ज़ा 15, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 टू ज़ा 10 प्लस 3 वन ज़ा 3, तो 13/15 आ गया। तो इसका मतलब 2 की पावर 13/15 आ गई। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें आपका जो है डिवाइड में वैल्यू दे रखी है और यहाँ 7 है, तो आप इसको कैसे करोगे मल्टीप्लाई। तो क्या करूँगी मैं, इसमें जो है आपका इसको ऊपर ले जाऊँगी, ऊपर ले जाऊँगी तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। आपने देखा होगा कि जो है क्या कहते हैं, 1 माइनस -1 पावर होती है, तो 1/1 लिखते हैं ऐसे करके। तो सेम यही जो है टेक्निक है। अब इस कंडीशन में देखो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये संख्या जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 7 ज़ा 21, और माइनस चल रहा है इनके साथ, तो माइनस आ गया आंसर। ठीक है, क्योंकि 7 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। ओके, अब नेक्स्ट है देखो, अब ये डिवाइड में है। ठीक है, तो डिवाइड में क्या करेंगे हम, इनकी पावर जो है माइनस हो जाती है, हो गई माइनस हो गई। अब ये इस फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखो इसका एलसीएम लिया हमने, तो ये आ गया आपका 4 है। ठीक, 4 आ गया। अब देखो, 2 है इसके पास, 2 है, तो एक और 2 जाएंगे तो तब 4 आएगा, तो 2 की, हाँ, तो 1/4 आ गया। तो 11 की पावर कितनी बची, 1/4। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें, ये इसकी पावर सेम दे रखी है। ये आपने देखा होगा फॉर्मूला जो है, bm बराबर हो गया आपका ab का m। ठीक है, a देखो 7 है, 7, और b जो है ये है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 7 × 8, m क्या है, 1/2, 7 8 ज़ा 56, ये आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया।